guys, welcome back to my channel, Bansal Biology. In today's lecture, we are going to see about gene interaction and epistasis. What is gene interaction and what is epistasis? तो अभी तक हमने जो देखा है मेंडल के बारे में, तो मेंडल ने क्या किया था, सेवन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिए थे पी प्लांट के. लेकिन अगर हम देखें तो मेंडल ने हर एक करेक्टरिस्टिक में सिर्फ एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें राउंड सीड के लिए ओनली वन जीन वॉज रिस्पॉन्सिबल, दैट वॉज आर जीन. सिमिलरली अगर हम कलर के लिए देखें तो सिर्फ एक जीन रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज वाई. येलो एंड ग्रीन जिसमें था सिर्फ वाई जीन रिस्पॉन्सिबल था. तो ऐसे उन्होंने जितने भी करेक्टरिस्टिक लिए उसके लिए सिर्फ एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में एक करेक्टरिस्टिक के लिए मोर देन वन जीन आर रिस्पॉन्सिबल. क्या होता है, एक्चुअल में मोर देन वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टरिस्टिक. किसी भी एक करेक्टरिस्टिक के लिए एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो ये सब जो सारे जीन है वो इंटरैक्ट करते हैं और किसी भी एक करेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट करते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, जीन इंटरैक्शन. कि बहुत सारे जीन जब खुद एक साथ इंटरैक्ट करेंगे कोई भी एक करेक्टरिस्टिक फॉर्म करेंगे, उसको हमने क्या बोल दिया, जीन इंटरैक्शन बोल दिया. तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया जीन इंटरैक्शन. इसका अभी हम फ्यूचर में एग्जाम्पल भी देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस जो है वो एक टाइप है जीन इंटरैक्शन का ही, एपिस्टेसिस टाइप होता है. एपिस्टेसिस में क्या होता है, एपिस्टेसिस में दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक जीन नहीं बल्कि दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अ करेक्टरिस्टिक. टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल. एपिस्टेसिस में क्या होगा, एपिस्टेसिस में टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन करेक्टरिस्टिक. एक करेक्टरिस्टिक के लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसकी वजह से क्या होता है, वन जीन, कोई एक जीन जो है वो क्या करेगा, दूसरे जीन को मास्क कर लेगा. यानी कि जो एक जीन है वो दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा या प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं होने देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिस्टेसिस बोलेंगे. जिसमें एक जीन क्या कर रहा है, दूसरे जीन को मास्क कर रहा है. हमने जो डोमिनेंस पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, एक ही जीन का एक अलील उसके दूसरे अलील को मास्क कर लेता है. दोनों में डिफरेंस देखते हैं हम, एपिस्टेसिस और डोमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है, ताकि हमें और क्लियरली समझ में आ जाए. दोनों में डिफरेंस क्या, अगर हम एपिस्टेसिस को देखें तो एपिस्टेसिस में दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन वन एंड जीन टू. तो इसमें क्या होगा, इस जीन का, फॉर एग्जाम्पल इस जीन का जो अलील होगा वो इस जीन के अलील को सप्रेस कर देगा. अगर मैं कुछ भी ले लू, फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया यहाँ पे मैंने और बी बी ले लिया, ठीक है, तो ये वाला जो जीन है इसके जो अलील है वो क्या कर रहे हैं, इसको सप्रेस कर रहे हैं. इन दोनों को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं. क्या इसने इसको सप्रेस किया, क्या इस अलील ने इस अलील को सप्रेस किया, नहीं, इस अलील ने नॉन अलीलिक को सप्रेस किया, इस अलील ने दूसरे जीन के अलील को सप्रेस किया. तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, नॉन अलील. नॉन एलिलिक क्यों, क्योंकि इस जीन ने इस जीन को सप्रेस किया. वही डोमिनेंस में क्या होता है, डोमिनेंस में जीन सिर्फ एक ही रहता है, लेकिन उसके जो दो अलील होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसने क्या कर दिया, इसको सप्रेस कर दिया. तो ए ने क्या किया, इस स्मॉल ए को सप्रेस कर दिया. क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया. तो ये वाली कंडीशन क्या है, इंट्रा एलील. कैसी कंडीशन है, इंट्रा एलील. कि एक जीन के अंदर अंदर ही बात निपट गई, एक घर के अंदर अंदर ही बात निपट गई, लेकिन इसमें बात कहाँ जा रही है, दो घर के बीच में जा रही है. एक घर वाले लोग दूसरे घर के लोगों को सप्रेस कर रहे हैं. यहाँ पे एक ही घर में कोई जन दूसरे जन को सप्रेस कर रहा है. तो ये डिफरेंस होता है एपिस्टेसिस में और डोमिनेंस में. एपिस्टेसिस में क्या हो गया, एक जीन ने दूसरे जीन को कर दिया सप्रेस. अगर हम आगे देखें तो जो जीन सप्रेस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी
स्टैटिक जीन, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिस्टैटिक जीन। और जो जीन हो रहा है सप्रेस उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। हमने क्या बोल दिया उसको, हाइपोस्टैटिक जीन। तो ये था दोनों में डिफरेंस। अगर हम देखें एपिस्टेसिस भी, तो एपिस्टेसिस बहुत सारे टाइप का होता है। सबसे पहला जो एपिस्टेसिस है वो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। फर्स्ट एपिस्टेसिस इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। नाम से ही पता चल रहा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होगा कि जो डोमिनेंट अलील होगा, जीन वन का जो डोमिनेंट अलील होगा, वो दूसरे जीन को क्या करेगा, दूसरे जीन के अलील को सप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से लू जीन वन एंड जीन टू, फिर से मैंने ले लिया जीन वन एंड जीन टू, तो इसमें होंगे दो अलील ए ए और इसमें भी हो गए दो अलील बी। ठीक है, दोनों सिमिलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल दोनों के दोनों कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कलर के लिए, कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर के लिए दोनों के दोनों जो जीन्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो डोमिनेंट अलील होगा, इन दोनों में से भी जो डोमिनेंट अलील होगा, यानी कि कौन सा वाला अलील, ए वाला जो अलील, कैपिटल ए वाला जो अलील है वो क्या करेगा, वो कैपिटल बी वाले को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। यहाँ पे स्मॉल ए का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रिसेसिव वाले ए का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे किसका रोल है, कैपिटल ए का रोल है। कैपिटल ए इस कैपिटल बी को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, फिर से तो इन दोनों को ही सप्रेस कर देगा, इन दोनों को ही क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस मतलब जो डोमिनेंट वाला अलील है जीन का, उसने दूसरे अलील को कर दिया सप्रेस। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम इसको और अच्छे से समझते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि कलर ऑफ अ फ्लावर अगर हम ले लें, कलर ऑफ अ फ्लावर, तो एक जो फ्लावर है वो नॉर्मली रहता है व्हाइट कलर का, जब तक उसमें क्या ना आ जाए, उसमें कोई पिगमेंट ना आ जाए। पिगमेंट के लिए क्या चाहिए, आपको जीन चाहिए, तभी वो जो जीन है वो प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन क्या होगा, पिगमेंट होगा, फ्लावर में क्या आएगा, कलर आएगा। जब तक वो पिगमेंट नहीं आएगा तब तक वो फ्लावर रहेगा नॉर्मली व्हाइट कलर का। तो अभी ये जो फ्लावर है दो कलर में एग्जिस्ट रह सकता है, दिस फ्लावर कैन एग्जिस्ट इन टू कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। इट कैन बी ऑफ येलो कलर और इट कैन बी ऑफ ब्लू कलर, ये आइदर ऑफ द कलर में एग्जिस्ट हो सकता है। अगर जीन ए एक्सप्रेस हुआ, अगर जीन ए एक्सप्रेस हुआ तो कौन सा कलर होगा, येलो कलर होगा, और अगर जीन बी एक्सप्रेस हुआ तो कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर। ठीक है, अगर मैं देखूं एक क्रॉस करके, अगर मैं देखूं ए ए बी बी पेरेंट का, ए ए बी बी पेरेंट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंट है वो कैसा होगा, वो होगा येलो कलर का। येलो कलर का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है। वहीं पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कलर होगा पेरेंट का ब्लू होगा। ब्लू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है इसको सप्रेस करने के लिए, स्मॉल ए प्रेजेंट, और स्मॉल ए इसको सप्रेस नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये वाला जो बी वाला है वो एक्सप्रेस हो जाएगा और कलर क्या होगा, ब्लू। ठीक है, यहां तक बात हमें समझ में आ गई। इसका ऑफस्प्रिंग होगा ए ए बी बी। यहाँ पे अब ये जो ए है ये क्या कर देगा, इसको सप्रेस कर देगा, यानी कि बी वाला जो अपना एक्सप्रेशन है वो शो ही नहीं कर पाएगा, और वो जो एफ वन जनरेशन है वो कैसे कलर की हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। कैसे कलर की हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। तो अगर हम देखें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर बच्चे में आ गया कैपिटल ए, तो कुछ भी हो यहाँ पे, तीनों जगह कुछ भी हो, ए बी बी हो या फिर ए बी बी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, तो क्या होगा, हमेशा होगा येलो कलर। कौन सा कलर होगा, हमेशा ही होगा येलो कलर, अगर इन तीनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो बच्चे में। ठीक है, वही अगर हम सेकेंड ऑप्शन ले, सेकेंड में क्या होगा कि समझो दो स्मॉल ए प्रेजेंट है,
ठीक है, तो दो स्मॉल ए प्रेजेंट है, तो ये दो स्मॉल ए तो किसी को सप्रेस कर नहीं सकते. तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो गया कैपिटल बी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, कैपिटल बी प्रेजेंट हो गया, तो कैपिटल बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, भले ही यहाँ पे स्मॉल बी प्रेजेंट हो या कैपिटल बी प्रेजेंट. तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो कौन से कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लू कलर का. ठीक है, वही अगर मैं तीन सा लू ए ए बी बी, तो ऐसे कंडीशन में ना कैपिटल ए प्रेजेंट है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ना कैपिटल बी प्रेजेंट है अपने आप को एक्सप्रेस करने में. तो यहाँ पे जो है पिगमेंट की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे जो वो फ्लावर है वो कैसे कलर का रह जाएगा, व्हाइट कलर का ही रह जाएगा. क्योंकि इस कंडीशन में एक्सप्रेशन कौन करेगा, सिर्फ कैपिटल वाले ही करेंगे, या तो कैपिटल ए करेगा या फिर कैपिटल बी करेगा. तो ये हो जाता है. हमने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का देखा था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में वैसे हमने दो करेक्टरिस्टिक लिए थे, दो जीन्स ही लिए थे, लेकिन इसमें हम क्या ले रहे हैं, एक करेक्टरिस्टिक एंड दो जीन. तो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमारा रेशियो आया था 9:3:1. ये किसका होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का होता है. अब यहाँ पे जो डाइहाइब्रिड क्रॉस से है बात पलट गई. ठीक है, यहाँ पे जो येल्लो वाले होंगे वो होंगे 12, ब्लू वाले होंगे 3 और व्हाइट वाले होंगे 1. फीनोटिपिक रेशियो की यहाँ पे बात चल रही है. ठीक है, बिल्कुल फीनोटिपिक रेशियो की. तो यहाँ पे जो फीनोटिपिक रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 12:3:1. दिस इज द फीनोटिपिक रेशियो. ये क्या हो गया, ये हो गया फीनोटिपिक रेशियो. 12 क्या है येल्लो, 3 क्या है ब्लू, 1 क्या है व्हाइट. यही यहाँ पे जो डाइहाइब्रिड क्रॉस मैंने पहले से बना के रखा था, ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है इसमें भी यही बात एक्सप्लेन की गई है. देखो, अगर हम नॉर्मली डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं तो रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1. लेकिन इस वाला जो क्रॉस है, ये जो एपिस्टैटिक का क्रॉस है, यहाँ पे जो रेशियो वो डिफरेंट आया है, वो आया 12:3:1. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 जगह क्या प्रेजेंट है, कैपिटल ए जीन प्रेजेंट है, तो वो क्या एक्सप्रेस करेगा, येलो कलर एक्सप्रेस करेगा. जहां जहां पे कैपिटल बी प्रेजेंट है, कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है, वो होगा ब्लू कलर का. और जहां पे दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, वहां पे कोई पिगमेंट नहीं होगा, तो वहां पे क्या कलर होगा, व्हाइट कलर होगा. सो अगर हम नेक्स्ट एपिस्टेसिस की बात करें, तो नेक्स्ट एपिस्टेसिस होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस. रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा कि जो एक जीन है वो दूसरे जीन को सप्रेस नहीं करेगा, एक जीन जो है वो दूसरे जीन को सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन दूसरा जो जीन है वो तब तक एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा जब तक पहला जीन प्रेजेंट ना हो. क्या बोल रही हूं मैं, अभी आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक्सप्रेस कौन होता है, एक्सप्रेस हमेशा कैपिटल ए और कैपिटल बी ही होगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, इसलिए वो रिसेसिव होते हैं ऑलरेडी. तो अगर मैं लू जीन फर्स्ट एंड जीन सेकेंड, तो इसमें जो जीन ए है वो क्या हो सकता है, वो इंडिपेंडेंटली वो एक्सप्रेस हो सकता है. लेकिन जो जीन बी का एलील बी है वो क्या नहीं हो सकता, वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, एज लॉन्ग एज उसको क्या ना मिले, जीन ए ना मिले. तो ये वाला जो है ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, जीन बी इज डिपेंडेंट अपॉन जीन ए फॉर इट्स एक्सप्रेशन, फॉर इट्स एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिर से फ्लावर कलर का एग्जाम्पल ले, फ्लावर कलर में जो पहले कलर होगा वो कौन सा होगा, व्हाइट कलर होगा. ठीक है, व्हाइट कलर का फ्लावर है, अभी इसको पिगमेंट नहीं मिला, अब इसको क्या मिल गया, जीन ए का पिगमेंट मिल गया, इसको मिल गया जीन ए का पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जीन ए जो है कौन सा कलर बनाएगा, येलो कलर बनाएगा. अब ये जो येलो कलर का फ्लावर है इसको क्या मिल गया, जीन बी का एक्सप्रेशन मिल गया, जिस वजह से क्या होगा, ये फ्लावर हो जाएगा ब्लू कलर. यानी कि ये जो जीन ए अगर एक्सप्रेस हुआ तो ये तो येलो कलर बनाएगा ही बनाएगा, पक्की बात है. लेकिन जीन बी तब तक ब्लू कलर नहीं बना सकता जब तक फ्लावर का कलर येलो ना हो जाए, तभी वो क्या बना पाएगा, ब्लू कलर बना पाएगा. यानी कि जीन बी क्या हो गया, जीन ए पे डिपेंडेंट हो चुका है, जीन बी क्या हो चुका है, जीन ए पे डिपेंडेंट. अगर हम एक क्रॉस करके देखें जिसमें पेरेंट फर्स्ट एंड पेरेंट सेकेंड,
ठीक है, इसमें हमने ले लिया कि जो पेरेंट है वो है ए ए बी बी, और इसमें है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, इन दोनों की क्रॉसिंग हुई तो ऑफस्प्रिंग हो गया एस। अब ये जो है ये कौन से कलर का होगा, ये था येल्लो ये था ब्लू, ये जो ऑफस्प्रिंग है सॉरी ये था येल्लो और ये था व्हाइट, क्योंकि ये क्या प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे कैपिटल ए प्रेजेंट है। ये वाला जो है ये कौन सी कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जीन ए भी एक्सप्रेस हो रहा है और जीन बी भी एक्सप्रेस हो रहा है, जिस वजह से जो एफ वन जनरेशन है वो कैसी हो गई, सारी ब्लू कलर की हो गई। अब हमने एफ वन जनरेशन का किया सेल्फ क्रॉसिंग, एफ वन जनरेशन की हमने क्या कर दी, सेल्फ क्रॉसिंग कर दी, इस वजह से हमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेनोटाइप्स मिलेंगे उनके रिजल्ट्स क्या क्या। फॉर एग्जाम्पल पहला केस है अगर उनके पास हुआ कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो उनके अलावा जो भी हो बाकी दोनों अलील कुछ भी हो, ये जो है क्या रहेगा, ये रहेगा हमेशा ब्लू कलर का, क्योंकि ये दोनों जो है क्या होंगे, एक्सप्रेस हो। दूसरी चीज समझो, कैपिटल ए प्रेजेंट है और स्मॉल बी प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फ्लावर है वो येल्लो कलर का होगा, क्योंकि बात जो है वो यहीं पे स्टॉप होगी। तीसरा केस होगा कि स्मॉल ए प्रेजेंट है, कैपिटल बी प्रेजेंट है, इस केस में फ्लावर कैसा होगा, जीन बी प्रेजेंट है लेकिन जीन ए प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा फ्लावर होगा, व्हाइट कलर का फ्लावर होगा। चौथा केस स्मॉल बी प्रेजेंट है, तो फ्लावर कौन सा कलर का होगा, तो फ्लावर व्हाइट कलर का होगा, क्योंकि ये ना कैपिटल ए प्रेजेंट है ना कैपिटल बी प्रेजेंट है एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही हमने इधर क्रॉस में दिखा रखा है कि जब तक कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों प्रेजेंट है तब क्या हो रहा है, ब्लू कलर का हो रहा है, जब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए प्रेजेंट है तब कौन से कलर का हो रहा है, तब हो रहा है येल्लो कलर का। वही अगर दोनों ही प्रेजेंट नहीं है कैपिटल में तो व्हाइट कलर, या फिर सिर्फ कैपिटल बी प्रेजेंट है तो भी क्या हो रहा है, व्हाइट कलर। तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा फिनोटिपिक ब्लू होगा 9, येल्लो होगा 3 एंड व्हाइट होगा 4। ये क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, 9:3:4। अगर हम नेक्स्ट एपिस्टेसिस की बात करें तो नेक्स्ट एपिस्टेसिस होता है डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस या डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डबल डोमिनेंट नाम से ही पता चल रहा है, दो चीजों का डोमिनेंट, दो एलील्स का डोमिनेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों जीन्स के दोनों कैपिटल एलील डोमिनेंट होंगे। क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पे ले लें जीन फर्स्ट और जीन सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ए भी अपने एक्सप्रेशन शो करेगा और कैपिटल बी भी क्या करेगा, अपने एक्सप्रेशन शो करेगा। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, इन दोनों में से कोई भी किसी को सप्रेस नहीं कर रहा है, कैपिटल ए भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और कैपिटल बी भी एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लू फिर से व्हाइट कलर का एक फ्लावर, व्हाइट कलर का एक फ्लावर है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ जीन ए और जीन बी, और जीन बी दोनों ही कंडीशन में क्या फॉर्म कर रहा है, ब्लू कलर फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये दोनों के दोनों सेम पिगमेंट के लिए कोड कर रहे हैं, ये भी ब्लू कलर के लिए कोड कर रहा है और ये भी ब्लू कलर के लिए कोड कर रहा है। यानी कि अगर ए प्रेजेंट हुआ और बाकी कुछ भी प्रेजेंट हुआ तो भी ब्लू कलर का फ्लावर होगा, और बी प्रेजेंट हुआ कुछ भी प्रेजेंट हुआ तो भी कैसा होगा, ब्लू कलर का फ्लावर होगा। यानी कि इनको कैपिटल ए और कैपिटल बी को फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा प्रेजेंट है या नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन में फ्लावर जो है वो कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, वो होगा स्मॉल ए और स्मॉल बी की कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक्सप्रेस नहीं होते, सिर्फ कैपिटल एक्सप्रेस होता है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी हुआ तो भी क्या होगा, ब्लू कलर होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी होगा तो भी ब्लू कलर, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी तो भी ब्लू कलर होगा, ऐसे कितने भी हो बस एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी होना चाहिए तो ब्लू कलर होगा। तो इसमें क्या है, बोथ द डोमिनेंट अलील ऑफ द टू जीन्स आर शोइंग
इट्स एक्सप्रेशन, या फिर द डोमिनेंट एलील ऑफ डोमिनेंट एलील ऑफ द टू जीन्स आर शोइंग इट्स एक्सप्रेशन. कि ए हो या बी हो, दोनों क्या करेंगे, अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सब ब्लू है, सब क्या है, ब्लू है. जब तक क्या बात नहीं आई, स्मॉल ए स्मॉल बी की बात नहीं आई, तब तक क्या कंडीशन रहेगी, ब्लू कलर ही रहेगा. तो इसका अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो क्या रहेगा, ब्लू रेशियो वन. तो ये क्या होगा, 15:1, क्योंकि एक ही टाइम जो है व्हाइट कंडीशन आएगी वो कौन सी होगी, स्मॉल ए और स्मॉल बी स्मॉल सी. इसी कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लावर है वो व्हाइट कलर का होगा. नेक्स्ट एपिस्टेसिस जो है वो है डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस. इसमें क्या होगा, जो दो जीन्स है वो तभी एक्सप्रेस होंगे जब दोनों साथ में प्रेजेंट है. अगर दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं है तो दोनों एक्सप्रेस नहीं होंगे, यानी कि जो दोनों है वो को डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर. इफ दे बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर देन दे विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, एंड इफ दे आर डोंट प्रेजेंट टुगेदर देन दे वोंट बी एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, फिर से अगर मैं लू जीन ए और जीन बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ए, और इसमें क्या हो गया, बी बी. तो जब ये ए और ये बी साथ में प्रेजेंट है तभी क्या आएगा, जो कलर है वो फ्लावर का आएगा. यानी कि अगर व्हाइट कलर का फ्लावर है तो वो ब्लू कलर तभी शो होगा जब जीन ए और जीन बी दोनों साथ में प्रेजेंट है. ये दोनों क्या है, दूसरे पे को डिपेंडेंट, क्या है, को डिपेंडेंट है. तो वो तभी अपना रिजल्ट शो करेंगे जब एक साथ प्रेजेंट है. अगर एक साथ प्रेजेंट नहीं होगी तो वो रिजल्ट शो नहीं करेंगे. यानी कि अगर मैं ले लू ए ए बी बी बी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रहेगा व्हाइट कलर का. अगर मैं ये केस ले लू तो ये भी कैसा रहेगा, ये भी रहेगा व्हाइट कलर का. अगर ये प्रेजेंट होगा तभी क्या होगा, जो फ्लावर है वो कलर्ड होगा ब्लू कलर का होगा. क्या होगा, ब्लू कलर का होगा. यानी कि इस कंडीशन में ये दोनों जो है कुछ भी हो, फ्लावर क्या रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा. और इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में फ्लावर जो है कैसा रहेगा, इन दोनों ही कंडीशन में फ्लावर जो है व्हाइट कलर का रहेगा, भले ही कुछ भी कर लो तुम, क्या रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा. तो इन दोनों को साथ में प्रेजेंट होना पड़ेगा अगर तुम्हें क्या चाहिए, कलर चाहिए फ्लावर का. सेम बात इधर भी दिखाई हुई है कि जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट है तब क्या है, ब्लू कलर है. लेकिन जब दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं है तब कौन सा कलर है, व्हाइट कलर है. तो इसका जो रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो वो क्या होगा, 9:7. 9 क्या होंगे उसमें, ब्लू कलर, और 7 क्या होगा उसमें, व्हाइट कलर. सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस. ये वाला जो एपिस्टेसिस है ये सिमिलर होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस से, लेकिन इसमें से सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है. इसमें भी जो एक जीन का डोमिनेंट अलील है वो दूसरे जीन के डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील को सप्रेस करेगा, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस की बात है. जैसे कि यहाँ पे जीन फर्स्ट है एंड जीन सेकेंड है. जो जीन फर्स्ट है वो एक्सप्रेस कर रहा है येल्लो कलर, और जो जीन बी है वो किसी चीज को भी एक्सप्रेस नहीं करेगा. यानी कि वो किसी पिगमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो खुद तो एक्सप्रेस होगा लेकिन वो किसी पिगमेंट के लिए एक्सप्रेशन नहीं कर रहा. इसका सीधा सा सिर्फ इतना सा काम है कि ये जो कैपिटल बी है ये जो इन दोनों को करेगा सप्रेस, क्या करेगा, सप्रेस करेगा. कैपिटल बी का सिर्फ इतना सा काम है कि इसको एक्सप्रेस होके क्या करना है, इसको सप्रेस करना है. ये कोई पिगमेंट शो नहीं करेगा. ये वो तुम्हारे उन दोस्तों या भाई बहनों के जैसा जो खुद तो कुछ काम करेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम भी कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे काम को पूरा बिगाड़ देंगे. ठीक है, खुद नहीं करना है लेकिन अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें देख उससे सहा नहीं जाएगा. वो बोलेगा मैं नहीं कर रहा तो तुम लोग कैसे कर सकते हो, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा भी काम बिगाड़ देगा. तो इसमें ये जो कैपिटल ए है वो येल्लो कलर एक्सप्रेस करेगा अंटिल एंड अनलेस वहां पे क्या प्रेजेंट ना हो, कैपिटल बी प्रेजेंट ना हो, क्योंकि कैपिटल बी क्या कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा. तो अगर कोई भी केस ऐसा हुआ जिसमें कैपिटल बी आ गया तो वो जो कलर है वो क्या रहेगा, फ्लावर का व्हाइट कलर का ही रहेगा. जो व्हाइट कलर का फ्लावर है वो कन्वर्ट होगा ब्लू, सॉरी येल्लो कलर में, सिर्फ और सिर्फ तब जब जीन ए इज प्रेजेंट एंड नो जीन बी इज प्रेजेंट, तभी क्या होगा, ये इसमें एक्सप्रेस हो सकता है. जीन बी क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा. तो ये कंडीशन कब आएगी,
जब ऐसे तभी वो जो फ्लावर है वो क्या हो पाएगा, ब्लू कलर का हो पाएगा, अंटिल एंड अनलेस जो कैपिटल बी है वो प्रेजेंट ना हो. अगर कैपिटल बी प्रेजेंट हो गया वो इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, फ्लावर का कलर क्या रह जाएगा, व्हाइट ही रह जाएगा. तो इसके लिए जो रेशियो है वो क्या होगा, फिनोटिपिक जो रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो इसके लिए क्या होगा, 13:3. जो थ्री केसेस है उसी में येलो है, 1, 2 and 3 जब स्मॉल बी प्रेजेंट है. तो 13 हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट एंड 3 हो जाएगा यहाँ पे येलो. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक सिंपल से ट्रिक्स है रेशियो याद करने के लिए, क्योंकि वो हम जनरली भूल जाते हैं और सीएसआईआर के पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ये जो ये बहुत ही इजी है कि एपिस्टेसिस के जो रेशियोज है उनको हम कैसे लर्न करें. तो देखो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है उसका रेशियो हमें याद रहता है कि 9:3:3:1 होता है. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है. अब तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर डोमिनेंट का केस होगा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का केस होगा तो तुम्हें आगे से ऐड अप करना है, और रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस होगा तो तुम्हें पीछे से ऐड करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डोमिनेंट एपिस्टेसिस है तो हमने क्या कर दिया, 9+3 इन दोनों को ऐड कर दिया, 12:3:1 दोनों को ऐड करके 12, 3 और 1. वही जो रिसेसिव एपिस्टेसिस है हमने क्या करना है, पीछे के दो को ऐड करना है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 4, यानी कि 9:3:4 दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है, अब क्या है डबल डोमिनेंट, यानी कि हमें एक और ऐड करना है. पहले हमने आगे से कितनों को ऐड किया था, 2 को ऐड किया था, डबल डोमिनेंट में हमें एक और को ऐड करना है, यानी कि 9:3:3 यानी कि 15:1. ऐसे ही डबल रिसेसिव वाले में हमें पीछे के 3 को ऐड अप करना है, यानी कि 9:7. वही डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाले में हमें 3 को ऐड अप करना है और 1 को छोड़ देना, इस 3 को छोड़ देना और 3 को ऐड कर देना, 13:1 आ जाए. तो इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा ये जो एपिस्टेसिस का रेशियो है, अगर आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद है. So guys, I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel.